तो आज का बेटा हमारा डिफरेंट टाइप्स ऑफ हम सॉल्यूशन डिस्कस करने जा रहे हैं। तो आपने लिखना है बेटा सॉल्वेंट, थ्री टाइम्स सॉल्वेंट हमारे पास, हमने लिखना है लिक्विड लिक्विड लिक्विड, फिर सॉलिड सॉलिड सॉलिड, फिर गैस गैस गैस। चाहे इनकी तरतीब डिफरेंट हो जाए, पहले आप गैस को लिख लें, पहले आप सॉलिड को लिख लें, चाहे लिक्विड को लिख लें, सारी बात है आपके माइंड में, आपने सोच के एग्जाम्पल लिखनी है। अब बेटा हम आते हैं सलूट की तरफ, और पहली जो बेटा हम देखते हैं कि सलूट हो सकता है लिक्विड फॉर्म में। ठीक है बेटा, एक मिनट, थोड़ा सा मैं इसको, सलूट किस फॉर्म में हो सकता है बेटा? लिक्विड फॉर्म में। दूसरी देख लें, सलूट हो सकता है बेटा सॉलिड फॉर्म में, और सलूट किस में हो सकता है? गैसियस फॉर्म में। ठीक है बेटा, ऐसे ही अब हमने इनकी एग्जांपल लिख ली है। अबुबकर सर, मैंने इंडिया एडमिशन लिया। बेटा वेलकम, वी वेलकम यू इन द क्लास। हम लोग छठा चैप्टर बेटा डिस्कस कर रहे हैं, और छठे चैप्टर में स्टार्ट में हमने उसके दो पेजेस कर लिए हैं। तीसरे पेज पर आपको मिलेगा डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन। तो वहां पर बेटा ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन है, ये कॉमन सेंस का सारा क्वेश्चन है, आपको इधर ही समझ आ जाएगा इंशाल्लाह। खैर है बेटा, स्पेलिंग थोड़े बुरे हो जाएंगे, राइटिंग थोड़ी सी बुरी हो जाएगी बेटा, क्योंकि मैं लैपटॉप की स्क्रीन पे राइट राइट कर रहा होता हूँ, तो 100% कंट्रोल नहीं होता कर्सर हमारे हाथ में, तो थोड़ा बहुत होगा, लेकिन आपको समझ आ जाएगी। तो बस हमारा मकसद है समझना। अब देखिए बेटा, आपने अब कॉमन सेंस इस्तेमाल करनी है और मुझे एग्जाम्पल समझानी है। अच्छा बेटा, आपको इसको समझ नहीं आ रही, लिक्विड गैस। देखिए बेटा, हमने सॉल्वेंट लिया, थ्री टाइम्स हमने सॉल्वेंट लिया, लिक्विड लिक्विड लिक्विड, फिर आप तीन तरफ तीन मरतबा सॉलिड 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 लिख लें, फिर गैस 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 लिख लें। अब आपको उसकी समझ आ जाएगी बेटा, अभी जरा थोड़ा सा देखे ना, देख 2 मिनट हमें हमारे साथ चले, आपको समझ आएगी इंशाल्लाह। देखिए बेटा, लिक्विड सॉल्वेंट जो हमारे पास सॉल्वेंट हो वो भी लिक्विड स्टेट में हो, और सोल्यूट भी लिक्विड स्टेट में हो, क्या ऐसी चीज की आप एग्जाम्पल दे सकते हैं बच्चे? यानी कि सोल्यूट और सॉल्वेंट दोनों लिक्विड फॉर्म में हो। इसकी एग्जांपल दे सकते हैं बेटा? यानी कि जो पहले, तो बेटा जो हमारे पास स्टूडेंट आया, अबुबकर मंसूर बेटा, ऐसे होता है ना कि सॉल्यूशन के दो कंपोनेंट होते हैं, एक होता है सॉल्वेंट और एक होता है सोल्यूट। जो ज्यादा क्वांटिटी में हो उसे हम कहते हैं सॉल्वेंट, और जो कम क्वांटिटी में हो उसे कहते हैं सोल्यूट। आपने पानी के अंदर चीनी को डिसॉल्व किया है, तो पानी ज्यादा था तो वो सॉल्वेंट, और चीनी कम थी तो वो सोल्यूट। इसी तरह से ऐसे हम अगर दो, कोई से भी दो लिक्विड को मिक्स करें, तो उसकी कोई मुझे एग्जाम्पल दे दो बेटा। आप लोग बच्चे सुन रहे हो? वानिया, HCl इन वाटर, बिल्कुल ठीक हो गया। और कोई एग्जाम्पल दो। एल्कोहल इन वाटर, बुक बंद रखनी है बच्चों, तो हम इसकी एग्जाम्पल लिख लेते हैं बेटा, एल्कोहल इन वाटर। एल्कोहल इन वाटर, ठीक है बेटा। इंक इन वाटर, जबरदस्त हो गया। ठीक है बेटा, अच्छी बात है मिशेल विशाल। अच्छा नेक्स्ट है बेटा, लिक्विड के अंदर अब सॉलिड डिसॉल्व करना है, लिक्विड के अंदर सॉलिड डिसॉल्व हो, इसकी कोई एग्जांपल दे। शाबाश, लिक्विड के अंदर सॉलिड डिसॉल्व किया हमने, शाबाश ईमान, गुड। शुगर इन वाटर, सॉल्ट इन वाटर, ठीक है। यानी कि अगर हम शुगर को डिसॉल्व करें पानी के अंदर, या सॉल्ट को पानी के अंदर डिसॉल्व करें, तो जो सोल्यूट है दैट इज इन सॉलिड स्टेट। अवैध अकबर, नहीं बेटा, बटर नहीं हो सकता। देखिए आपने यही, मक्खन नहीं हो सकता, बटर नहीं हो सकता, ये आपने माइंड में रखना है कि जब सॉल्वेंट जो ज्यादा क्वांटिटी में होगा दैट विल बी इन लिक्विड, और जो सोल्यूट है जो लेस क्वांटिटी में है दैट इज सॉलिड। तो शुगर इन वाटर, शुगर थोड़ी है पानी ज्यादा है, सॉल्ट इन वाटर, सॉल्ट थोड़ा है पानी ज्यादा है, तो जो कम हो वो क्या है? सोल्यूट है। तो अवैस, अब समझ आई बेटा? अवैस तारिक, आपको इसकी समझ आई एग्जाम्पल की? वालेकुम सलाम बेटा, हूँ मेरा कि अगर सोल्यूट हमारे पास सॉलिड स्टेट में हो और लिक्विड
जो हो वो हमारे पास सॉल्वेंट हो, तो उसकी एग्जांपल जो है शुगर एंड वाटर एंड कर सकते हैं बेटा अब्दुल्ला, आप बिल्कुल आगे पीछे कर सकते हैं, सोल्यूट को आगे पीछे कर सकते हैं, आपको एग्जांपल याद रखनी पड़ेगी। गैस को बेशक ऊपर लिख दो तो फिर एग्जांपल उसकी रेलेवेंट लिखेंगे। देखिए बेटा, हमने सॉल्वेंट लिया लिक्विड फॉर्म में और सोल्यूट भी लिक्विड फॉर्म में हो, यानी कि दोनों, यानी कि जो कम क्वांटिटी में हो और जो ज्यादा क्वांटिटी में हो दोनों लिक्विड हो, तो उसकी एग्जाम्पल क्या है? अल्कोहल एंड वाटर। सेकेंड बेटा, अगर सॉल्वेंट हमारे पास जो लिक्विड स्टेट के अंदर हो और सोल्यूट सॉलिड फॉर्म में हो, तो इसकी एग्जांपल बिल्कुल कॉमन एग्जांपल है शुगर इन वाटर, साल्ट इन वाटर। थर्ड है बेटा, लिक्विड के अंदर गैस डिसॉल्व हुई भी हो, इसकी कोई एग्जांपल दे सकता है? वानिया ने कहा है स्मोक इन एयर। बेटा स्मोक जो है एक्चुअली वो स्मोक के पार्टिकल्स वो होते हैं, सॉलिड होते हैं बेटा। ये जो आप लोग पीते हो बेटा ऑक्सीजन इन वाटर, गुड, पानी के अंदर ऑक्सीजन डिसॉल्व हुई होती है समंदर के पानी में। फिजी ड्रिंक्स, नाइट्रोजन डिसॉल्व इन वाटर, ऑक्सीजन इन वाटर, मीथेन इन वाटर। मीथेन बेटा वाटर में डिसॉल्व होगी नहीं, मीथेन क्योंकि नॉन पोलर है, पानी पोलर है, उसमें डिसॉल्व होगा नहीं, ऑक्सीजन इन वाटर। जी बेटा, तो हम इसकी एग्जाम्पल क्या लिख सकते हैं? ऑक्सीजन इन वाटर। ऑक्सीजन इन वाटर या फिर फिजी ड्रिंक्स, ये जो आप स्प्राइट पीते हो, कोक पीते हो, तो लिक्विड के अंदर वैसे मेरी आवाज, मेरे खैर माइक बंद किया हुआ मैंने, ओके हाँ ऑन है। ये जो बेटा हम कोका कोला पीते हैं, स्प्राइट है, ड्यू है, पेप्सी है, तो इनके अंदर क्या होता है कि लिक्विड के अंदर प्रेशर के साथ गैस को डिसॉल्व किया गया है, या ऑक्सीजन इन वाटर, ये इसकी एग्जाम्पल हो जाएगी। ना ना बेटा नहीं, सिलेंडर गैस है कैसे बेटा? एक एग्जाम्पल बेटा देखे ना, नहीं आवाज नहीं कट रही होगी बेटा, अब ठीक होगा, आई थिंक सो, अब ठीक होगा आवाज का इशू। मैंने खुद थोड़ा सा म्यूट किया था बेटा, वो मेरे घर में कुछ शोर कर रहे थे, पहले मैंने खुद को म्यूट किया, फिर उनसे कहा कि जरा आहिस्ता। अभी भी वॉइस कट रही है, कनेक्शन तो मेरे पास 4G आ रहा है बेटा, सिग्नल भी ठीक आ रहे हैं। चलिए नेक्स्ट बेटा एग्जांपल देखें, नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। अब बेटा हमारे पास सॉल्वेंट जो है वो सॉलिड फॉर्म में आ गए, सपोज अब यानी कि जो सॉलिड फॉर्म है भी सॉल्वेंट हो सकता है, हम उसकी एग्जांपल देखते हैं बेटा। हमारे पास अगर जो सोल्यूट हो वो हो लिक्विड, लिक्विड फॉर्म में है बेटा, थोड़ा सा वेट करेंगे बेटा। बेटा फिजी ड्रिंक से मुराद होता है कोई भी ड्रिंक नहीं, फिजी ड्रिंक वो होती है जो कार्बोनेटेड ड्रिंक्स होती है, पानी नहीं हो जाएगा, ये हो जाएगा बेटा जो जिनके अंदर कार्बोनेटेड ड्रिंक्स होती है ना, जो बेटा कार्बन, ये कोका कोला, पेप्सी, ड्यू, मिरिंडा, फांटा, स्टिंग एटसेट्रा, ये वाली सारी, ठीक है।
अच्छा नेक्स्ट चलते, नेक्स्ट देख रहे थे हम, बात कर रहे थे किधर गया हमारा टेबल, ये आ गया। तो अब बेटा सॉलिड के अंदर लिक्विड डिसॉल्व हो चुका हो, अब जरा इसकी कोई मुझे एग्जांपल दे, सॉलिड के अंदर लिक्विड डिसॉल्व हो। यानी कि सॉलिड ज्यादा क्वांटिटी में हो और लिक्विड उसमें कम क्वांटिटी में डिसॉल्व हो, इसकी कोई एग्जांपल दे। बुक नहीं देखनी बेटा, जस्ट कॉमन सेंस को इस्तेमाल करके एग्जांपल देते जाएंगे। सॉलिड के अंदर लिक्विड डिसॉल्व हो, स्क्रीन शो नहीं हो रही बेटा, आप आपने स्क्रीन को चेंज किया होगा, देखें राइट लेफ्ट पे उसको स्लाइड करो, शो हो जाएगी आपको। आइस सेड, नहीं बेटा आइस नहीं आएगा, इसकी एग्जांपल आएगी बेटा बटर, सॉलिड के अंदर लिक्विड, बटर और चीज। जो मक्खन होता है बेटा अब वो सॉलिड होता है और उसके अंदर लस्सी जो है वो लिक्विड फॉर्म में थोड़ी सी क्वांटिटी में डिजोल्व होती है, तो बटर हो जाएगा जो चीज हो जाएगी। और इसकी एग्जाम्पल और भी हो सकती है बेटा, आप लोगों ने देखा होगा जो सर्दियों में, सॉरी बरसात के मौसम में अगर आप नमक को रखें या सुपर बिस्किट है उसको निकाल के रख दो, तो वो थोड़ा सा भीग जाता है, वो नमी एब्जॉर्ब कर लेता है, तो वो क्या होता है, होता तो सॉलिड है लेकिन उसके अंदर कुछ ना कुछ क्वांटिटी में लिक्विड एब्जॉर्ब हो चुका, पानी एब्जॉर्ब हो जाता है। तो इसकी एग्जाम्पल लिख देंगे बेटा चीज, बटर या चीज। सर अब सॉलिड में लिक्विड और देखे ना बेटा, जो मक्खन होता है उसके अंदर वो प्योरली सॉलिड तो नहीं होता ना बेटा, वो प्योर सॉलिड तो नहीं होता, वो सॉलिड है, मोस्टली सॉलिड है वो, हो सॉलिड हमारा सॉल्वेंट। हाँ ठीक है, तो मक्खन को पहले इसको छोड़ेंगे, सॉल्वेंट क्या है, सोल्यूट क्या है। आपने मक्खन देखा वो सॉलिड है और उसमें थोड़ा थोड़ा लिक्विड भी मौजूद होता है, तो ज्यादा क्वांटिटी में वो सॉलिड है और थोड़ी क्वांटिटी में उसमें लिक्विड मौजूद है, तो यहां से जो ज्यादा क्वांटिटी में वो क्या है, सॉलिड है बेटा, सॉलिड ज्यादा क्वांटिटी में और लिक्विड उसमें थोड़ी क्वांटिटी में है, तो उसकी एग्जाम्पल क्या हो जाएगी, बटर या चीज। इसी तरह से नेक्स्ट देखें एग्जाम्पल देखें बेटा, सॉलिड के अंदर सॉलिड के अंदर सॉलिड डिसॉल्व हो, यानी कि दोनों सॉलिड आपस में डिसॉल्व किए गए हो, तो इसकी एग्जांपल क्या बनेगी। जी ये जो हमने देखे थे बेटा मेटल एलॉय होते हैं, तो एक मेटल को दूसरी मेटल के साथ मिक्स करते हैं, ब्रॉन्ज। जी बेटा चेयर नहीं होगी बेटा, चेयर तो सिर्फ प्योर वो है ना बेटा, चेयर नहीं, दो मेटल्स को मिक्स कर रहे हैं। चेयर तो ऐसे नहीं कहना कि बेटा ये उसकी चेयर है, उसकी ऊपर वाली जो है ना वो लकड़ी लगी हुई है और उसकी जो ड्रॉज है वो लोहे की बनी हुई है, तो मेटल के अंदर मेटल, ऐसे नहीं, दो मेटल को मिक्स किया है बेटा, ओपल्स हो गए, ये बुक से देख रहे हैं वैस, और ब्रास। जी बेटा ब्रास, यानी कि मेटल एलॉय हम कह सकते हैं, सिंपल वर्ड में कह सकते हैं बेटा मेटल एलॉय। मेटल एलॉयज जैसा कि ब्रास, और ब्रास के अंदर कौन सी मेटल होती है बेटा, जिंक और कॉपर, ये एमसीक्यू भी आता है। थर्ड एग्जांपल बेटा, सॉलिड के अंदर गैस डिसॉल्व हुई भी हो, सॉलिड के अंदर गैस डिसॉल्व हुई भी हो, तो बेटा ये थोड़ी सी एग्जांपल हमारी कॉमन लाइफ में नहीं मिलती। इसकी एग्जांपल है हाइड्रोजन एब्जॉर्ब ऑन प्लाटियम, कि H2 गैस, प्लाटियम मेटल है बेटा, उसको अगर एनवायरनमेंट में ऐसे रखा जाए तो उसकी सरफेस जो है वो हाइड्रोजन गैस को अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेती है, यानी कि वो सॉलिड फॉर्म में जो मेटल है वो थोड़ी सी उसकी सरफेस पर हाइड्रोजन गैस एब्जॉर्ब हो जाती है, तो उसे कहते हैं हाइड्रोजन एब्जॉर्ब ऑन प्लाटियम, और उसका सिंबल होता है प्लाटियम का PD, मैं जस्ट सिंबल लिख रहा हूँ बेटे, हाइड्रोजन एब्जॉर्ब ऑन प्लाटियम। और थर्ड है बेटा कि गैस, अब देखें ये बेटा लिक्विड और सॉलिड की एग्जांपल्स आपको अंडर समझ आई है, कॉमन सेंस यूज हो के समझ आ रही है बेटा इनकी, बुक में तरतीब और होगी, मैं बुक से नहीं बता रहा बेटे, हम अपनी वो बनाई हुई तरतीब, बुक में मुझे नहीं पता वहां पे किस तरतीब से लिखे हुए हैं।
बेटे क्लास आज तो फ्राइडे है हमारी, 55 पे खत्म होगी आज, हम 3-4 मिनट एक्स्ट्रा ले जाते हैं, 58 तक हमारी क्लास जाएगी। जी बेटा, ये बोर्ड में लॉन्ग क्वेश्चन आएगा, आता है लॉन्ग क्वेश्चन। अब देखिए बेटा, थर्ड हमारे पास जो प्रोबेबिलिटी है कि सॉल्वेंट हमारे पास किस फॉर्म में हो, गैस फॉर्म में, तो अगर उसमें सोल्यूट किस फॉर्म में हो, लिक्विड फॉर्म में हो, गैस के अंदर सोल्यूट लिक्विड फॉर्म में आ जाए, इसकी एग्जांपल क्या होगी? यानी कि अब गैस ज्यादा क्वांटिटी में होगी और लिक्विड कम क्वांटिटी में होगा। जी बेटा, भूख तो नहीं खोली हुई आप लोगों ने? फॉग बेटा, जो धुंध होती है, फॉग है, एक्चुअली क्या हो चुका है कि ज्यादा हवा है और उसके अंदर पानी के वेपर्स हैं, तो ज्यादा जो है वो गैस है वो सॉल्वेंट होगा, और जो लिक्विड ड्रॉपलेट्स हैं वो थोड़े हैं तो वो सोल्यूट कहलाएगा, और इसकी एग्जांपल क्या होगी? फॉग या मिस्ट। फॉग या फिर लिक्विड एयर प्लूटेंट भी हो जाएगा। बेटे लिखा क्यों नहीं जा रहा फॉग? मैं चलो उसे लिख देता हूं, फॉग या मिस्ट। नेक्स्ट बेटा, गैस के अंदर एग्जाम्पल, बेटा ठीक, तरतीब जो भी लिखे आपने एग्जाम्पल ठीक लिखनी पड़ेगी, क्वेश्चन की जहां भी तरतीब लिखे लेकिन आपने एग्जाम्पल ठीक दे रही है। नेक्स्ट है बेटा, गैस के अंदर डिजोल्व हो, गैस के अंदर डिजोल्व हो सॉलिड, तो इसकी एग्जाम्पल मुझे बताएं कोई। अब गैस के अंदर सॉलिड डिजोल्व हुआ है, जी बेटा ठीक है, और स्मोक हो जाएगा, डस्ट हो जाएगी, यानी कि वो डस्ट पार्टिकल या स्मोक, डस्ट पार्टिकल या स्मोक, वो डस्ट पार्टिकल और स्मोक के पार्टिकल सॉलिड है, तो डस्ट पार्टिकल्स, डस्ट या मैं स्मोक सिंपल वर्ड में लिख रहा हूं, डस्ट या स्मोक। और लास्ट है बेटा गैस इन गैस, तो ये तो आसान सी होगी कि सॉलिड भी गैस, सॉल्वेंट भी गैस हो, सोल्यूट भी गैस हो, तो उसकी एग्जांपल क्या आएगी? गैस इन गैस की एयर, सिंपल सी एग्जांपल है बेटा एयर। और भी एग्जांपल बुक में लिखी हुई है, हाइड्रोजन और हीलियम को मिक्स करते हैं वेदर बैलून्स में, तो वो दो गैसेस मिक्स हो रही है, तो गैस में गैस, H2 अकेला नहीं बेटा, H2 एंड हीलियम इन वेदर बैलून्स, अकेला एक तो वो प्योर हो जाएगा, दो चीजों को मिक्स करना है। तो बेटा ओवरऑल ये जो थी हमारे पास कंडीशन थी। अब बेटा मैं अब आप लोगों से पूछने जा रहा हूं, मुझे, मैं जिस पे टिक करूंगा और जिस बच्चे का नाम लूंगा वो मुझे बताएगा, उसकी एग्जांपल बताएगा। बेटा मुझे एग्जांपल बताएं सॉलिड इन गैस, इसकी क्या एग्जांपल होगी? सारे बच्चे बताएं बेटा, ऑक्सीजन एंड सिलेंडर नहीं, मिक्स हो रहा है ना बेटा, सिलेंडर के अंदर तो वो सेव है, किसी चीज के साथ मिक्स नहीं हुई हुई, सॉलिड इन गैस, सॉरी ये जो सॉल्वेंट होगा वो गैसियस स्टेट में होगा, सॉरी सॉल्वेंट जो है वो सॉलिड स्टेट में होगा और सोल्यूट गैसियस स्टेट में होगा, सोल्यूट इज गैस। एग्जाम्पल बताएं, अभी हमने की है सारी एग्जाम्पल, ये अगर देखें तो इस पेज पे हमने सारी एग्जाम्पल्स की हुई है। हाँ अवैस ने ठीक बताया, ठीक है बेटा, अवैस ने बताया कि, और बच्चे भी बताएं, जी नुमान ने भी ठीक बताया। इसी तरह से अब अगर मैं इस तरह से कहूं कि मुझे एग्जांपल दें, गैस इन गैस के अंदर डिजोल्व हुआ हो लिक्विड, इसकी एग्जांपल दें, नुमान ने ठीक बताया, हुमैरा थोड़ा फिर सोचो, अपना अबू बकर मंसूर थोड़ा सा सोचिएगा बेटे, ज्यादा क्वांटिटी में गैस होगी बेटा, देखिए ना सॉल्वेंट गैस है, ऊपर देखें तो गैस क्या है सॉल्वेंट, तो ज्यादा क्वांटिटी में गैस होगी और उसके अंदर लेस क्वांटिटी में पानी होगा,
जोहल बेटा, जो सॉल्वेंट होता है वो ज्यादा क्वांटिटी में होता है और जो सोल्यूट होता है वो लेस क्वांटिटी में होता है। आप लोग जो न्यू बच्चे आए हैं बेटा, आप लोग यूट्यूब पे जाके सर्च करेंगे केमिस्ट्री विद खलीक, और उसमें केमिस्ट्री विद खलीक में आपको सामने चैनल आएगा, उसमें आप लोगों ने चैप्टर नंबर 6 की आपको प्लेलिस्ट मिलेगी, क्लास 9th चैप्टर 6। तो उसके जो फर्स्ट 3 लेक्चर्स हैं जो आप वो देख लेंगे तो आपको सोल्यूट और सॉल्वेंट समझ आ जाएगी बेटा। तो जी बेटा, ये गैस के अंदर जो लिक्विड मिक्स होगा ये फॉग या मिस्ट, फॉग या मिस्ट, यानी कि जो हवा है वो ज्यादा है और लिक्विड उसके अंदर थोड़े से है। अब मुझे इसकी एग्जांपल ले, लिक्विड के अंदर कौन डिसॉल्व हुआ हो, सॉलिड। लिक्विड अब ज्यादा हो और सॉलिड उसमें कम हो, लिक्विड ज्यादा हो और सॉलिड उसमें कम डिसॉल्व हुआ हो। जी बेटा मेरा कैमरा ऑफ रहता है, मैं आप स्क्रीन शो होगी आपको मेरी। जी बेटा ऐसे ही है, ऐसे ही है, सॉल्ट या शुगर, शुगर इन वाटर, यानी कि अगर हम पानी के अंदर शुगर को डिसॉल्व कर ले तो शुगर क्या है, वो सॉलिड है। कम क्वांटिटी में होगा तो सोल्यूट और पानी ज्यादा है तो वो क्या है, लिक्विड। बेटा मैं एक मिनट आपको एक और चीज बताता हूँ, बच्चे कहाँ पे कंफ्यूज होते हैं। बच्चे ये समझते हैं कि लिक्विड इन सॉलिड एंड सॉलिड इन लिक्विड, बच्चे समझते हैं इन दोनों का सेम आंसर होगा। अक्सर बच्चों को ये कंफ्यूजन होती है, लेकिन बेटा देखें ना, थोड़ा सा गौर करें, पहले में देखें तो लिक्विड हमारे पास सॉल्वेंट है और सोल्यूट उसमें सॉलिड स्टेट में है। अब सॉलिड के लिक्विड के अंदर, अब आपको माइंड में ये जाना चाहिए कि ज्यादा क्वांटिटी में लिक्विड है और थोड़ी क्वांटिटी में सॉलिड ऐड कर रहे हैं, तो पानी के अंदर चीनी, शुगर इन वाटर। और अगर नीचे वाली एग्जांपल देखें, सॉलिड के अंदर लिक्विड डिसॉल्व हो तो सॉलिड अब ज्यादा क्वांटिटी में होगा क्योंकि वो सॉल्वेंट है और लिक्विड थोड़ी क्वांटिटी में होगा, तो यहां पर किसकी एग्जांपल आती है, बटर की। देख अब्दुल्ला मैंने आपका आंसर देखा नहीं, आप खुद अपना टेस्ट कर लें, चेक कर लें, मैंने दोनों के आंसर लिख दिए, ठीक है। तो यहाँ पे सिर्फ जो भी एग्जांपल लिख रहे हैं वो माइंड में जाके उसको इमेजिन करें, सॉल्वेंट ज्यादा क्वांटिटी में, सोल्यूट लेस क्वांटिटी में, और खुद उसकी एग्जांपल फिर आप लोग बताएं कि इसकी एग्जांपल क्या हो सकती है, ठीक है बेटा। अब बुक पे जाते हैं जरा, इसको बुक पे जाके एक दफा देख लेते हैं, हम सारी एग्जांपल्स को देखें। क्या बेटा हुमैरा, बेटा एक एग्जांपल लिख सकते हैं, काफी होगी, शॉर्ट क्वेश्चन भी आ जाते हैं अक्सर कि गिव एग्जांपल ऑफ दिस, कोई सा भी इस तरह से शॉर्ट क्वेश्चन भी आ सकता है। तो अब देखिए बेटा, इस तरह से बुक में जो भी टेबल है उसकी तरतीब डिफरेंट है, सॉल्वेंट उधर लिख दिया, सोल्यूट उधर लिख दिया, तरतीब डिफरेंट है, लेकिन एग्जांपल वही होगी, एग्जांपल चेंज नहीं हो सकती। गैस के अंदर गैस तो मिक्सचर उसका एयर हो गया, मिक्सचर ऑफ H2 एंड हीलियम इन वेदर बैलून्स, मिक्सचर ऑफ नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन इन सिलेंडर्स फॉर रेस्पिरेशन, गैस और लिक्विड। तो सोल्यूट अगर गैसियस स्टेट में हो और सॉल्वेंट लिक्विड फॉर्म में हो तो ऑक्सीजन एंड वाटर। तो इस तरह से बेटा ये सारी एग्जांपल्स आप लोग खुद जो है देख लेंगे, कोई बात नहीं बेटा, आपके पास 2019 वाली बुक हो, 2021 वाली बुक हो, 1990 वाली बुक हो, बुक यही फॉलो हो रही है जो हम आपके सामने स्क्रीन पे पेज शो भी हो रहा है। इसका बुक में पेज नंबर मुझे बता देंगे कौन सा है, बुक में इसका कौन सा पेज है बेटा, मैं चलो खुद ही देख लेता हूँ। पेज नंबर है, सेंचुरी होने वाली है हमारी कल,
कल हमारी सेंचुरी हो जाएगी, आज हम 99 पे नॉट आउट है। तो ये बेटा आप इस टेबल को खुद ही देखिएगा, ये एग्जाम्पल जरा खुद माइंड में अपने टेस्ट लीजिएगा, ठीक है। अगर कोई कंफ्यूजन होगी तो आप कल पूछ लेंगे, हम फिर इसको दोबारा भी कल डिस्कस कर लेंगे, अगर किसी बच्चे को इश्यू होगा। अगर कोई इशू नहीं आएगा तो हम नेक्स्ट टॉपिक की तरफ मूव करेंगे। आज के लिए इतना काफी है बेटा, ओके है सब कुछ? ओके बच्चों, अल्लाह हाफिज़। और जो न्यू बच्चे आए हैं बेटा, आप लोग अगर इस चैप्टर के प्रीवियस लेक्चर्स देख लेंगे, जो न्यू बच्चे आए हैं अगर आप लोग इस हमारे चैप्टर के जो प्रीवियस 3 लेक्चर्स हैं वो यूट्यूब से देख लेंगे, तो आपको आगे वाले जो हम टॉपिक डिस्कस करेंगे वहाँ पे कन्फ्यूजन नहीं आएगी कि सर ये क्या है वो क्या है, ठीक है बेटा? ओके बच्चों, ओके, अल्लाह हाफिज़।